नमस्कार। आज हम जानते हैं कब्र पूजा के बारे में। यह मूर्खता है या अंधविश्वास? यह जो डेटा लिया गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह वैदिक वाइज नामक ब्लॉग से है। आइए जानते हैं। रोजाना अखबारों में एक खबर आम सी हो गई है कि अजमेर स्थित मुइन उद दीन चिश्ती अर्थात गरीब नवाज की मजार पर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अभिनेत्रियों या क्रिकेट के खिलाड़ियों अथवा राजनेताओं का चादर चढ़ाकर अपनी फिल्म को सुपरहिट करने की अथवा आने वाले मैच की जीत की या आने वालों चुनाव के जीत के लिए दुआ मांगना। भारत की नामी ग्रामी हस्तियों के दुआ मांगने से साधारण जनमानस में एक भेड़ चाल सी आरंभ हो गई है कि उनके घर पर दुआ मांगने से बरकत हो जाएगी, किसी की नौकरी लग जाएगी, किसी के यहाँ लड़का पैदा हो जाएगा, किसी का कारोबार यदि नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। कुछ सवाल हमें अपने दिमाग पर जोर डालने को मजबूर कर रहे हैं, जैसे कि यह गरीब नवाज कौन है, कहाँ से आए थे, इन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया, इनकी कब्र पर चादर चढ़ाने से हमें सफलता कैसे प्राप्त होती है। गरीब नवाज, भारत में लूटपाट करने वाले, हिंदू मंदिरों का विध्वंस करने वाले, भारत के अंतिम हिंदू राज पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले व जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने वाले मोहम्मद गोरी के साथ भारत में शांति का पैगाम लेकर आए थे। पहले वे दिल्ली के पास आकर रुके, फिर अजमेर जाते हुए उन्होंने करीब 700 हिंदुओं का इस्लाम में दीक्षित किया और अजमेर में वे जिस स्थान पर रुके उस स्थान पर तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। ख्वाजा के बारे में चमत्कारों की अनेकों कहानियां प्रसिद्ध हैं। जब राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा के वहां रुकने का विरोध किया क्योंकि वह स्थान राज्य सेना के ऊँटों को रखने का था, तो पहले तो ख्वाजा ने मना कर दिया, फिर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा कोई भी ऊँट वापस उठ नहीं सकेगा। जब राजा के कर्मचारियों ने देखा कि वास्तव में ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं तो ख्वाजा से माफी मांगने आए और फिर कहीं जाकर ख्वाजा ने ऊँटों को दुरुस्त कर दिया। दूसरी कहानी अजमेर स्थित आना सागर झील की है। ख्वाजा अपने खादिमों के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक गाय को मारकर उसका कबाब बनाकर खाया। कुछ खादिम पंसीला झील पर चले गए, कुछ आना सागर झील पर ही रह गए। उस समय दोनों झीलों के किनारे करीब 1000 हिंदू मंदिर थे। हिंदू ब्राह्मणों ने मुसलमानों के वहां पर आने का विरोध किया और ख्वाजा से शिकायत करी। ख्वाजा ने तब एक खादिम को सुराही भरकर पानी लाने को बोला। जैसे ही सुराही को पानी में डाला तभी दोनों झीलों का सारा पानी सूख गया। ख्वाजा फिर झील के पास गए और वहाँ स्थित मूर्ति को सजीव कर उससे कलमा पढ़वाया और उसका नाम सादी रख दिया। ख्वाजा के इस चमत्कार की सारे नगर में चर्चा फैल गई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री जयपाल को ख्वाजा को काबू करने के लिए भेजा। मंत्री जयपाल ने अपनी सारी कोशिश कर डाली पर असफल रहा और ख्वाजा ने उनकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान सहित सभी लोग ख्वाजा से क्षमा मांगने आए। काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल किया पर पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया। तब ख्वाजा ने भविष्यवाणी करी कि पृथ्वीराज को जल्द ही बंदी बनाकर इस्लामिक सेना के हवाले कर दिया जाएगा। निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, ने भी ख्वाजा का स्मरण करते हुए कुछ ऐसा ही लिखा है। बुद्धिमान पाठकगण स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के करिश्मों को सुनकर कोई मूर्ख ही इन बातों पर विश्वास ला सकता है। भारत में स्थान स्थान पर स्थित कब्रें उन मुसलमानों की हैं जो भारत पर आक्रमण करने आए और हमारे वीर हिंदू पूर्वजों ने उन्हें अपनी तलवारों से परलोक पहुंचा दिया था। ऐसे ही एक कब्र बहराइच गोरखपुर के निकट स्थित है। यह कब्र गाजी मियाँ की है। गाजी मियाँ का असली नाम सलार गाजी मियाँ था एवं उनका जन्म अजमेर में हुआ था। उन्हें गाजी की उपाधि काफिर यानी गैर मुसलमान को कत्ल करने पर मिली। गाजी मियाँ के मामा मोहम्मद गजनी ने ही भारत पर आक्रमण करके गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था। कालांतर में गाजी मियाँ अपने मामा के यहाँ पर रहने के लिए गजनी चला गया। कुछ काल के बाद अपने वजीर के कहने पर गाजी मियाँ को मोहम्मद गजनी ने नाराज होकर देश से निकाला दे दिया। उसे इस्लामिक आक्रमण का नाम देकर गाजी मियाँ ने भारत पर हमला कर दिया। हिंदू मंदिरों का विध्वंस करते हुए हजारों हिंदुओं का कत्ल अथवा उन्हें गुलाम बनाते हुए नारी जाति पर अमानवीय कहर बरपाते हुए गाजी मियाँ ने बाराबंकी में अपनी छावनी बनाई और चारों तरफ अपने फौज भेजी। कौन कहता है कि हिंदू राजा कभी मिलकर नहीं रहे।
मानिकपुर, बहराइच आदि के 24 हिंदू राजाओं ने राजा सोहेल देव पासी के नेतृत्व में जून की भरी गर्मी में गाजी मियां की सेना का सामना किया और इस्लामिक सेना का संहार कर दिया। राजा सोहेल देव ने गाजी मियां को खींचकर एक तीर मारा जिससे कि वह परलोक पहुंच गया। उसकी लाश को उठाकर एक तालाब में फेंक दिया गया। हिंदुओं ने इस विजय से न केवल सोमनाथ मंदिर के लुटेरे का बदला ले लिया बल्कि अगले 200 सालों तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी का भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी मां के कहने पर बहरीच स्थित सूर्यकुंड नामक तालाब को भरकर उस पर एक दरगाह और कब्र गाजी मियां के नाम से बनवा दी, जिस पर हर जून के महीने में सालाना उर्स लगने लगा। मेले में एक कुंड में कुछ बहरूपिये बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद लाइलाज बीमारियों को ठीक होने का ढोंग रचते हैं। पूरे मेले में चारों तरफ गाजी मियां के चमत्कारों का शोर मच जाता है और उसकी जय जयकार होने लग जाती है। हजारों की संख्या में मूर्ख हिंदू औलाद की दुरुस्ती की, नौकरी की, व्यापार में लाभ की दुआ गाजी मियां से मांगते हैं, शरबत बांटते हैं, चादर चढ़ाते हैं और गाजी मियां की याद में कव्वाली गाते हैं। 10 प्रश्न हम अपने श्रोतागण से पूछना चाहते हैं। नंबर 1, क्या कब्र जिसमें मुर्दे की लाश मिट्टी में बदल चुकी है वो किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है? प्रश्न नंबर 2, सभी कब्र उन मुसलमानों की हैं जो हमारे पूर्वजों से लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी कब्रों पर जाकर मन्नत मांगना क्या उन वीर पूर्वजों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपने प्राण धर्म रक्षा करते हुए बलि की वेदी पर समर्पित कर दिए थे? 3 प्रश्न है, क्या हिंदुओं के राम, कृष्ण अथवा 33 करोड़ देवी देवता शक्तिहीन हो चुके हैं जो मुसलमानों की कब्रों पर सर पटकने के लिए जाना आवश्यक समझते हैं? अगला प्रश्न, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है तो मजारों पर दुआ मांगने से क्या हासिल होगा? 5 प्रश्न, भला किसी मुस्लिम देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, हरि सिंह नलवा जैसे वीरों की स्मृति में कोई स्मारक आदि बनवाकर उन्हें पूजा जाता है तो भला हमारे देश पर आक्रमण करने वालों की कब्र पर हम क्यों शीश झुकाते हैं? अगला प्रश्न, क्या संसार में इससे बड़ी मूर्खता का प्रमाण आपको मिल सकता है? प्रश्न 7, हिंदू जाति कौन सी ऐसी आध्यात्मिक प्रगति मुसलमानों की कब्रों की पूजा कर प्राप्त कर रही है जो वेदों उपनिषदों में नहीं कही गई है? प्रश्न 8, कब्र पूजा को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और सेकुलरता की निशानी बताना हिंदुओं को अंधेरे में रखना नहीं तो क्या है? अगला प्रश्न, इतिहास की पुस्तकों के गौरी गजनी का नाम तो आता है जिन्होंने हिंदुओं को हरा दिया पर मुसलमानों को हराने वाले राजा सोहेल देव पासी का नाम तक न मिलना क्या हिंदुओं की सदा पराजय हुई थी? ऐसी मानसिकता को बनाना नहीं है। अगला प्रश्न, क्या हिंदू फिर एक बार 24 हिंदू राजाओं की भांति मिलकर संगठित होकर देश पर आए संकट जैसे कि आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन, नक्सलवाद, बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ, रोहिंग्या की घुसपैठ मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते? आशा है कि इस वीडियो से आपकी बुद्धि में प्रकाश होगा। अगर आर्य राजा राम और कृष्ण जी महाराज की संतान हैं तो काल इस मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास को छोड़ दें और अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।